विधानसभा विधायक दल की बैठक से प्रदेश कार्यालय से निकला तो मुझे जानकारी मिली कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ साथी और बजरंग दल के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुकेश सोनी जी का अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया। मैं तुरंत अभी सूचना पाकर रांची के वरीय सीनियर पुलिस अधीक्षक से बात किया सुरेंद्र झा से। मैंने उनसे कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर जो अपराधी है उसको पकड़ा जाए और जो वहाँ स्थानीय प्रशासन पुलिस प्रभारी है, थाना प्रभारी है, इंस्पेक्टर है, उनको तुरंत निलंबित किया जाए वहाँ से। और साथ ही साथ हम सरकार से कल विधानसभा का सत्र चलेगा, मैं निश्चित तौर पर इस मांग को वहाँ रखूँगा और जब तक पुलिस वहाँ के इंस्पेक्टर पर जो थाना प्रभारी है वहाँ उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ये बड़ा आंदोलन होगा और निश्चित तौर पर सरकार को इस बारे में मैं विधानसभा में घेरूंगा और मैं अपने जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है उसके साथ विधानसभा में इसका बात को बहुत मजबूती के साथ रखूंगा। और मैं बहुत मर्माहित हूँ अपने कर्मठ साथी को खोकर। और मैं कल विधानसभा चूंकि सत्र कल शुरू हो रहा है और विधानसभा में अपनी बात रखकर मैं मेरा आगमन कल खिलारी होगा और जो भी आंदोलन कार्रवाई के अगर जब तक प्रशासन में हमारी मांग को नहीं मानती है तो बड़ी आंदोलन कार्रवाई होगी वहाँ।